सड़क गोलीकांड पर बोले गुलाबचंद राजभर, राजनीतिक देश के कारण मारी गई गोली। जय हिंद, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। खबर जनपद बलिया से है, जहां रसड़ा तहसील के अंतर्गत ग्राम नगहर के हुए गोलीकांड को बुधवार को अखिल भारतीय राजभर समाज के पदाधिकारी जिला अध्यक्ष गुलाबचंद राजभर के नेतृत्व में पीड़ित परिवार से मिलकर जरूरी जानकारी इकट्ठी की और घायलों का हालचाल जाना। साथ ही साथ बलिया पुलिस द्वारा इस गोलीकांड को लेकर की जा रही कार्रवाई पर गहन मंत्रणा की, मुख्य आरोपी के अभी तक नहीं पकड़े जाने पर घोर रोष व्यक्त किया। गुलाबचंद राजभर ने कहा, यह मामला जबकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, जिनको ले गोली लगी है उनका बेटा सुबह सपा का उभरता हुआ एक चेहरा है, उसके बढ़ते हुए राजनीतिक कद से देश बस इस परिवार को डराने के लिए यह जघन्य कार्य किया गया है। इस मौके पर अध्यक्ष गुलाबचंद राजभर, उपाध्यक्ष उमेश राजभर, महासचिव मिट्टू राजभर, ग्राम प्रधान प्रभात कुमार, पूर्व प्रधान महेंद्र राम, जिला अध्यक्ष डॉक्टर सतीश चंद राजभर, राधेश्याम राजभर, लखन राजभर, राजा राम राजभर, धनंजय राजभर, सौरभ राजभर, सुरेश राजभर आज मौजूद रहे। सुरक्षा की दृष्टि से पीड़ित परिवार के घर के सामने पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। आगे वीडियो में देखें जिला अध्यक्ष व पीड़ित परिवार का बयान। भारत मीडिया के लिए बलिया से शहदाद हुसैन के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। मेरा शुभ नाम गुलाब चंद राजभर है, मैं अखिल भारतीय राजभर संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ। जी, आज यहाँ आप मौजूद हैं। जी जी, मौजूद का क्या कारण है? मौजूदगी का कारण यह है कि मौली राजभर के पत्नी का तिरही था। 31 तारीख को इनकी पत्नी का तिरही था और उसमें जो है कि सारे परिवार के लोग अपने तिरही में दुख सुख में सारे लोग शामिल थे। शामिल होने के बाद अपने निजी ज़मीन में, रोड के किनारे इनकी निजी ज़मीन है और वहाँ जो है कि गाड़ी लगी थी। गाड़ी 31 तारीख को शाम में लगी थी। कौन सी गाड़ी थी सर? स्कॉर्पियो थी। फोर व्हीलर? हाँ, फोर व्हीलर थी और उसमें लगी थी। गांव के कुछ चंद चलहाक बदम चलम लड़के जो है, इनका नाम बताया जा रहा है प्रियांशु पीयू सिंह, वह कहे कि भाई ऐसा है कि गाड़ी रोड के किनारे से आप हटा दीजिए। चूंकि परिवार गमगीन था, कहा कि बाबू ऐसा है कि गाड़ी हम लोग हटा लेंगे, अब तक जो है कि ड्राइवर चाय पानी पी रहा है। यह जो प्रियांशु सिंह है कहे कि नहीं आप हटाएंगे तो हम तोड़ देंगे। पीयूष सिंह कहे कि नहीं तोड़ देंगे। ग्राम प्रधान जो है कि प्रभात सिंह ठाकुर जो है, यहाँ के ग्राम प्रधान हैं, यह कहे कि ठीक है चलिए भाई सुबह में इसका बातचीत हो जाएगा। इन्होंने बताया कि सुबह में यह मौली राजभर तो किस गाड़ी से वो लोग थे कि उन लोगों की गाड़ी जो है निकल नहीं पा रही थी? मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल निकलने तक का भी जगह नहीं था जैसा क्या? बिल्कुल जगह था, बिल्कुल खाली जगह था। उनके घर जाने के लिए तमाम रास्ता था जी, और चौराहे पर भी लगा था, वहाँ जाने आने में कोई परेशानी नहीं है। अब इस बात का हल्का फुल्का कुछ विवाद हुआ जी। सुबह में ग्राम प्रधान जो है कि प्रशांत कुमार जो है कि यहाँ के ग्राम प्रधान है, प्रभात कुमार बुलाए, उन लोग के दरवाजे पर बातचीत हो गई, सुलह समझौता हो गया और ये मौला राजभर जो है कि वहाँ से जब चले तो यह पहले से घात लगा करके प्रियांशु सिंह और उनके साथ अनेक पीयूष सिंह और उनके साथ अनेक लोग इनको मारना शुरू कर दिए। और मारने के बाद जब ये चिल्लाना शुरू किए, सुलह समझौते के बाद वापस आ रहे थे जी, तो वहाँ पर वह जो है कि दो चार थप्पड़ मारने, तो ग्राम प्रधान जो है कि वहाँ मना किए कि क्यों इस तरह के पंचायत में हुआ है सुलह समझौता, क्यों मार रहे हो। और इसके बाद जो है कि वह बात को नहीं माने और काफ़ी संख्या में असलहा से लेस होकर के कट्टा बलम लाठी डंटे से मारना शुरू किए। और इसके बाद जो है कि यह अपना चिल्लाना शुरू किए, इनके परिवार के लोग बचाने के लिए गए तो इन लोगों पर भी यह गोली से 5-7 फायर किए, जिसमें सुरेश राजभर को एक सीन ये जो है पेट में गोली लगी है, एक पैर में लगी है। और अब काफ़ी 7-8 गोली चली है, लेकिन 2 गोली इनके जो है लगी है, एक सीने में लगी है और एक पैर में लगी है। और शेष लोग को बलम से लाठी से गणासा से मारा गया है, जिसमें इन लोगों को काफ़ी चोटें आई है और घर के अंदर घुस करके मारे हैं, जिसमें महिला काफ़ी भी घायल है। जैसा कि आप राजभर समाज के जो है
जिला अध्यक्ष हैं और आप इन परिवार से जो है मिलने आए हैं सहानुभूति के तौर पे, तो इन परिवार से आपने बातचीत की होगी, तो किस तरह की बात सामने निकल के आ रही है? पहले से कुछ इनका जो है किसी तरह का कोई झगड़ा, दुश्मनी, किसी तरह का कोई उनसे तकरार रहा है इसके पहले भी? ऐसा है कि इनके नाती जो है ये अंशु राजभर, यह भाजपा के विधानसभा अध्यक्ष हैं, भाजपा के सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं, और राजनीतिक गतिविधि के कारण इन लोग से कोई पहले से विवाद नहीं, लेकिन राजनीतिक गतिविधि होने के कारण अब इनका यह है कि उगता हुआ सूरज है, लड़का है, तेज तड़ाक है, अब इनको कैसे दबाया जाए, इस वजह से जो है इनका जो है इस तरह की घटना अनहोनी हुई है। तो इस समय तो आप जो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव है जी, तो ये राजनीतिक द्वेष की भावना से जो है ये कार्रवाई, जो भी घटनाएं घटित की गई हैं, बिल्कुल बिल्कुल इनको जो है ताकि ये पीछे हो जाए, बिल्कुल राजनीतिक द्वेष बस किया गया है। और मैं यहाँ के रसड़ा कोतवाल से मैं अवगत कराना चाहता हूँ, और पुलिस अधीक्षक बलिया से, जिलाधिकारी महोदय बलिया से, मुझे परिवार से मिलने के बाद ये तथ्य पता चला है कि यह जो प्रशासन के लोग लगाए गए हैं, कब तक आप जो है कि आपकी रक्षा करेंगे, और आपको यह जो हटने के बाद इन लोगों के पूरे परिवार के जो है धमकी भी ली है कि आपके पूरे परिवार की हत्या भी कर देंगे। दूसरा हमारा ये मांग है पूरे जनपद बलिया के राजभर संगठन की तरफ से कि जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय से कि जो तथ्य आया है यह स्पष्ट हो रहा है कि सोची समझी राजनीति के तहत काम किया गया है, और काफ़ी जो है यह गंभीर मामला है, और मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग कर रहा हूँ कि इनके सीने में गोली लगी है और पैर में नहीं लगी है, क्योंकि आप जिले के आला कमान के अफसर हैं। मैं आग्रह कर रहा हूँ कि जो घटना घटी है उसमें तथ्य कोई छिपा नहीं है, यह चैनल पर चला है, उनके परिवार के मैं घर के अंदर खड़ा हूँ, और मेरा यह पूरे संगठन से मांग है। पुलिस कप्तान का तो कल ही बयान था कि कल ही दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इसमें पुलिस तो कार्य कर रही है। हाँ, हम पुलिस की सराहना कर रहे हैं कि पुलिस तत्परता से काम कर रही है, और मेरा ये मांग है संगठन के माध्यम से कि जो इन लोग अपराधी प्रावृत्त के हैं इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और इन लोग को तत्काल गिरफ्तार होना चाहिए। परिचय दीजिए अपना। आप, मेरा नाम विनोद राजभर है जी। कहाँ घर है आपका? नगर। ये मकान आप ही के है सर? हाँ जी सर। जो ये यहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए हैं, इनको सर में चोट लगी हुई है, क्या मामला रहा होगा? मामला सर, ये पार्किंग के लेके झड़प हुई थी शाम को। कब हुआ था? 31 तारीख को जी। हाँ, उसमें जो पीयूष सिंह नाम के हैं जी, वो हमारे अंकल जी वहीं खड़े थे, उनसे झड़प किए थे, फिर मामला उसी टाइम। अंकल जी का आपके नाम क्या है? सुरेश राजभर जी। तो उस टाइम मामला वहीं पे शांत हो गया सर, फिर हम लोग अपने काम करने लगे घर पे, फिर सुबह हमारे बड़े पापा को बुलाया गया उनके घर पे, फिर वहाँ गए, बातचीत किए, फिर बोले तू अपने लड़के को वो कर लो, हम अपने बातचीत होने के बाद फिर ये वहाँ से चले, तो इनको दौड़ा के मारने लगे, इनको मारते मारते किनको, हमारे, किनको, किनको? हमारे बड़े पापा को, नाम बताइए, रमेश राजभर को। सुबह के बाद नहीं गए सुबह को, तो वो मारने लगे, मारते मारते घर के अंदर लेके आ गए, अंदर आने के बाद घर पे जो लेडीज थी उनको तो भी मारने। 31 तारीख को शाम की ये जो झड़प हुई थी और 1 तारीख की सुबह में सुबह उनके घर गए आप लोग? उनके घर हमारे बड़े पापा गए थे, वो बुलाए थे तो गए थे। हाँ जी। तो उसके बाद वहाँ से वो आया गया, क्योंकि यहाँ पे 13वीं का और कार्यक्रम था जो सुबह का पिंडदान करना था उसके लिए। उसके बाद वो आते समय रास्ते में दौड़ा के मारने लगे, मारते मारते गेट के अंदर तक आ गए, अंदर आने के बाद कुछ 20-25 लोग और घुस गए गेट के अंदर, फिर वो हमारे आंटी है उनके ऊपर भी हमला कर दिए, हम सब लोगों के ऊपर हमला कर दिए। हम उस समय तैयार नहीं थे सर, कुछ भी हमारे पास था नहीं, वो हथियार के साथ आए थे, उसके बाद वार कर दिए। आपके यहाँ तो जैसे 13वीं का कार्यक्रम है, गमी का एक तरीके से कार्यक्रम था, तो आप लोगों को तो इससे जो कुछ लेना ही देना नहीं था कि इस तरह की जो बातें हो सकती हैं? हम तो बिल्कुल उसके चक्कर में थे ही नहीं सर, हम तो रात को झड़प हुई थी, हम शांत हो गए थे, हम तो अपने कार्यक्रम में लगे हुए थे। फिर उसके बाद जब अंदर आए, फिर हम लोग खड़े हुए जब तक हमारे ये छोटू भाई इनके सर पे मार दिया हथियार से, फिर हमारे अंकल को मार दिए गोली, हमारे सामने ही गोली मार दिए। कितनी गोलियां चली होंगी लगभग? ये इसके 8-10 राउंड फायर किए थे, पुलिस के पास इसका खोखा भी बरामद हुआ था जी। कितनी गोलियां लगी हैं आपके अंकल को? अंकल को हमारे दो गोली लगी, एक तो पेट में लगी है जी, ये कि
जंगे पे लगी है। जंगे पे तो आपने जो है इसके लिए तहरीर वगैरह पुलिस को कब दी, इसमें क्या कार्रवाई हुई है? पुलिस का तहरीर हम सुबह ही दिए थे सर, घटना के आधे घंटे बाद ही थाने पे गए थे। इसमें अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? उसके अंदर कार्रवाई ये हुई सर, पुलिस जो मेन मुजरिम है सर, जो हरीश सिंह नाम का, वो अभी तक उसका गिरफ्तार नहीं किया गया। आप क्या चाहते हैं इसमें? हम चाह रहे हैं हमें गिरफ्तार हुआ, हमें न्याय मिले सर इसका। ठीक, इसमें कितने लोग जो है घायल हुए हैं जो आपके घर? हमारे घर कम से कम 8-10 लोग घायल हुए हैं सर। नाम बता सकते हैं? नाम बता सकते हैं, बताइए। हमारे दादा हैं छांगुर राजभर, संगीता देवी मेरी आंटी है, मेरी मदर है सरस्वती देवी है। हमें भी 8-10 लोगों को चोट आई है। छोटू राजभर जिनके सर फटा हुआ है। अपना नाम बताइए। संगीता मेरा नाम है। आपके साथ क्या हुआ है? हम लोगों के घर में बड़े लोग आए, सब झगड़ा किए और सब लूट, हम लोगों के साथ बदतमीजी भी किए और सब हम लोगों को बुरी तरह से मारे, हम लोगों के घर परिवार सभी लोगों को मारे। कहाँ कहाँ चोटें आई हैं आपको? बाह में, कमर में, सर में। तो ये घर में घुस करके ये सब कुछ हुआ है? हाँ, घर में घुस के ही, हम सभी परिवार घर में ही अपना काम कर रहे थे, हम लोग दीदी का तेरे ही था। तो पुलिस आई थी आपके घर पे, आपसे जो है बातचीत हुई उन लोगों की? हाँ, थोड़ा बहुत हुआ। क्या आश्वासन मिला उन लोगों की तरफ से आपको? आपने क्या कहा उन लोगों को? हमसे तो बस नाम पूछा गया था और हम सभी लोगों को नहीं पहचानते क्योंकि मैं घर में रहती हूँ, बच्चों लोग ने पहचाना, उनको सब कुछ बताया। तो आपको जो है आपने क्या कहा उन लोगों से, पुलिस से जो एडिशनल एसपी साहब आए थे उनसे आपने कुछ कहा बताया? हाँ, हमने कहा कि हमारे बड़े भैया को बुलाकर और अपने दरवाजे पे भी मारे, तो हम लोग सब वहाँ इकट्ठा हुए तो बोले कि चलो अब कुछ नहीं होगा। तभी भी हम लोगों के घर में आके सभी लोग, उन जिम्मेदार लोग थे, बड़े बड़े लोग, वहाँ गोली बारूद सब लेकर आए थे, कट्टा कुट्टी सब, और तो लड़कियों सभी लोगों को मारा पीटा। अरे सामी भी नजर आ रही हैं? नहीं, मैं डरी नहीं हूँ। मेरे घर परिवार में ऐसा सब कुछ हुआ है, मारा पीटा गया है, तो क्या मैं कैसी रहूंगी? कितने औरतों को चोट लगी होगी? मेरी सारी घर परिवार के सभी लोगों को मारा पीटा गया है, लड़कियों को भी, औरतों को भी, बच्चों को भी, कोई छोटा बड़ा सभी लोगों को मारा गया है। तो आपको क्या पुलिस प्रशासन पे भरोसा नहीं है? है, तभी तो हम लोग किए हैं जी। पुलिस ने तो कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। हाँ, तो आपको उनसे उम्मीद है कि हाँ, जो आपको न्याय मिलेगा? हाँ। दादी रो तो रो, तू तोहरों को चोट लागल बका कहीं? हाँ, हे फेर हे में मीठा चलाओ तो हम जात रहनी, दौड़ल दुनिया जात रहनी, चल हे पर लागल ठाई देना, वो पतो ही रे ओकरा लागल हे पखवा पर हे घरवा पर। तो कहीं दवाई वाई खाती गई ललु हो? ना, हम लोग तो रुवत रहनी ना गई, उनकी घाई से रुवत रहनी हम ना गई। आपका डॉक्टरी उक्टरी हुआ है? हाँ। अपना नाम बताइए। मेरा नाम धीरज कुमार है, छोटू। घर कहाँ है आपका? नगर घर है, थाना रसड़ा जी। जो आपके सर में चोट है ये किस तरह से लगी है? जब मेरे पापा को गोली मार दिए बाहर घर के गेट के पास, तो हम लोग पापा को लेने गए, पीछे से हम घर से अंदर लेने ले रहे थे, तो पीछे से हमको लाठी से मार दे रहे घर के। कब गेट, कब की ये घटना है, थोड़ा तेज बोलिए। 8 बजे सुबह की बात है। कब? 1 तारीख को 8 बजे। कल की घटना? कल की घटना जी। तो क्या मामला रहा है कि इस तरह का जो घटना आपके साथ हुई, आपके परिवार के साथ हुई? मेरे मम्मी का तेरा ही था, गाड़ी पार्किंग के लेकर थोड़ा झड़प हुआ था, उसी में वही मामला था। तो कौन सी गाड़ी जो है पार्क की गई थी? स्कॉर्पियो खड़ी थी। और जो गेट है उसके बाहर? हाँ, गेट के पास। अच्छा, तो उसको लेकर के क्या हुआ? एक पीयूष नाम का लड़का है, उसी से थोड़ा आया गाड़ी बाइक से अपने, वो झड़प करने लगा पापा से, बोलने लगा कि ये किसका बाइक है, गाड़ी है। तो गाड़ी जाने का, उसका बाइक निकलने का भी रास्ता आप लोगों ने छोड़ा नहीं था? रास्ता है, थोड़ा दो रास्ता है, ये भी था, आप पीछे से जहाँ से वो निकलना चाह रहा था वहाँ रास्ता था। हाँ, रास्ता है, बहुत जगह था वहाँ पर। तो इतनी सी बात के लिए
ये गोली चलाने तक बात आ गई। हाँ, पहले से कोई विवाद नहीं? पहले से कोई विवाद नहीं था, कभी कुछ? कभी भी नहीं, किसी से ना विवाद था हम लोग। कितने लोगों को चोटें लगी हैं? 5 लोगों को चोट लगी है। एक जो बता रहे हैं उनको गोली लगी है, वो कहाँ हैं अभी? बनारस हैं। बनारस, क्या स्थिति है उनकी? अभी नाजुक बताई जा रही है स्थिति। तो इसमें पुलिस आई हुई थी यहाँ पे? हाँ, पुलिस आई हुई थी। क्या कार्रवाई हुई है पुलिस की तरफ से? पुलिस तरफ से अभी तो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, अब मेन मुजरिम नहीं पकड़ा गया है अभी जो गोली मारा है। मेन मुजरिम मतलब कौन है? हरीश सिंह। अच्छा जी, और अभी आप क्या चाहते हैं? अभी चाहते हैं उन लोगों कार्रवाई हो, गिरफ्तार किए जाए। धमकी दे रहे हैं? धमकी भी दे रहे हैं उन लोगों को। किस तरह की धमकी इसके बाद भी आपको मिली, जबकि पुलिस गांव में आई है शांति माहौल जो सुदृढ़ करने के लिए? आपके देख रहे हैं गेट के सामने भी पुलिस बल जो है मौजूद है, तो किस तरह की धमकी अभी मिल रही है आपको? बोल रहे हैं कि पुलिस चली जाएगी तो पुलिस यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं रहेगी ना, कभी कभी ना जाएगी तो कभी यहाँ हम लोग को हमला मारेंगे हम लोग। तो आप चाह रहे हैं कि जो मतलब आपको सुरक्षा जो है मिले उन लोगों से? हाँ। और ऐसे अपराधी तत्व गिरफ्तार हो। गिरफ्तार हो। ठीक है।